फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आपके फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है येस बैंक। येस बैंक के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे। कॉल मींस 7 अप्रैल को हम लोग कैसा काम करना है। आज ये 5 अप्रैल। आज मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपको जाके देखना है तो देख सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो था डिविडेंड देने वाला कंपनी कौन सा ज़्यादा है और उनका सरकारी कंपनी है, और सेकंड जो मल्टीवेगर स्टॉक हम लोग कैसे चुने। 2 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है येस बैंक का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, क्या ये 12 रुपये में आएगा, क्योंकि जो लोग सब बोल रहे हैं अभी भी, तो ये सब हम लोग यही वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा चैनल में कोई न्यू व्यूअर्स है, कोई फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, वो लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और लाइक कमेंट शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ में जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में अगर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करते हो मेरे तरफ, तो मैं आपको मेरा सपोर्ट टीम में ज्वाइन करूँगा, जिधर कि आप लोग को इंट्राडे कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और आपका कोई स्टॉक का कुछ भी क्यूरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। फ्रेंड, ऑलरेडी आपका अगर जीरोधा में अकाउंट से है, वो पर्सन को मैं मेरा सपोर्ट टीम में ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। जो लोग मेरा लिंक थ्रू ओपन करेंगे उन लोगों के लिए ही सपोर्ट टीम है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली येस बैंक का जो 3 अप्रैल का कामकाज के ऊपर। यस, हम लोग का डायरेक्टली आगे है 3 अप्रैल का जो क्लोजिंग प्राइस है येस बैंक का 24.20, ओनली 0.25 पॉइंट का ऊपर हम लोग पॉजिटिव रिटर्न दिया, और परसेंटेज देखेंगे तो 1% का पॉजिटिव रिटर्न। प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे 23.95, ओपनिंग हम लोग अच्छा शानदार दिए थे 24.50 का, हाई भी हम लोग 24.95, और लो हम लोग मारे हैं 22.80, जो कि प्रीवियस डे का लो के ऊपर आज का लो हुआ है, और जो क्लोजिंग जो दिए हम लोग पॉजिटिव में दिए हैं, ये एक नोटिस करके रखिए फ्रेंड्स। जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 24.10 का, और अभी का जो क्लोजिंग हुआ 24.20 का, तो देखेंगे इसमें कितना परसेंटेज का डिलीवरी गया है। आप देख सकते हो 24% का भी डिलीवरी गया है येस बैंक में। तो फ्रेंड्स, अभी ये सवाल उठता है, तो हम लोग जब भी मार्केट मंगलवार को मीन्स 7 अप्रैल को मार्केट ओपन होगा तो हम करें क्या, क्योंकि कल महावीर जयंती मार्केट का हॉलीडे है। तो फ्रेंड, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली वो कैंडल स्टिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं इन वेराइटी पैरामीटर में हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, मैंने जैसे कि आप लोग को बोल रहा हूँ, येस बैंक का ये 5 मिनट का कैंडल लगाया है मैं। 5 मिनट का कैंडल में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बोलिंजर ब्रांड का जो लोअर पॉइंट है 23.86 है, और जो मिडिल पॉइंट है 24.02, अपर ब्रांड है 24.17, और ये जो रेड कलर का देखते हो लाइन, ये है सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड में अभी दिख रहा है 24.23, जो कि बियरिश जोन में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का क्लोजिंग हुआ 24.20 का आसपास। एक नज़र आपने एक नोटिस कीजिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, नोटिस कीजिए उसको। हम लोग फ्राइडे का मार्केट मीन्स 3 अप्रैल का मार्केट में हम लोग 24.20 को रेजिस्टेंस मानकर बार बार नीचे आए, और बार बार जाके उसको टच भी किए। उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग जैसे कि मैंने आप लोग को मेरा 2 अप्रैल में मैं जो वीडियो बनाया था येस बैंक का ऊपर, मैंने आपको बोल ही दिया था जे 25.5 का ऊपर हम लोग अगर हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो तेज़ी बनना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स,
आप देख सकते हो 24.95 के बाद हम लोग क्लोजिंग ऊपर टच ही नहीं कर पाए 25 को। इसमें इंडिकेट दे रहा है कि 5 मिनट का कैंडल में जो हम लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं जो कि 25 का ऊपर। तो आप देख सकते हो RSI इधर 61% जैसे कि बुलिश दिख रहा है 5 मिनट कैंडल में। MACD में बहुत सुंदर है, बट हम लोग दूसरा पैरामीटर में चेक करेंगे। फिर हम लोग 15 मिनट का कैंडल स्टिक टाइम के ऊपर हम लोग इसको चेक करेंगे थोड़ा। तो इधर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का मैं कैंडल स्टिक लगाया हूँ। ये कैंडल स्टिक में क्या दिख रहा है, जो बॉलिंजर ब्रांड का जो लोअर पार्ट है 23.69 दिखा रहा है और ये अपर ब्रांड जो है 24.34 दिखा रहा है और अपना क्लोजिंग है 24.25 का। तो फ्रेंड्स हम लोग बराबर 24.25 के आसपास क्लोजिंग दे रहे हैं और इसका सुपर ट्रेंड अभी नीचे शो कर रहा है जो कि 23.26। इसमें हम लोग एक चीज़ देखने को मिल रहा है जो हम लोग नीचे के तरफ आने का चांसेस ज़्यादा है, बट RSI भी बोल रहा है नहीं मैं बुलिश हूँ, MACD थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। तो हम लोग और एक पैरामीटर लगाएंगे जैसे कि हम लोग को ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा वन डे का। तो आपको इधर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसको आप नोट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए वन डे का कैंडल स्टिक है, ये जो सुपर ट्रेंड दिख रहा है 8.91 मीन्स 9 रुपये का ऊपर ये सुपर ट्रेंड का शो कर रहा है। और ये जो वन डे का जो कैंडल स्टिक आप देख सकते हो इधर 24.09 जो शो कर रहा है, ये कैंडल को आप एक बार नज़र रखिए अच्छी तरह से। हम लोग अगर सस्टेन करेंगे जैसे कि मैं आप लोगों को बोला 25.55 को अगर हम लोग सस्टेन करके ऊपर 5 से 10 मिनट क्लोजिंग देंगे फ्रेंड्स, तो आप मान लीजिए आपका से फर्स्ट टारगेट 33.76 हो जाएगा। अगर हम लोग कंडीशन क्या है ना 25.55 को अगर हम लोग क्रॉस करके 10 से 15 मिनट सस्टेन करेंगे किसका ऊपर ना 25.55 का ऊपर हम लोग सस्टेन करेंगे तो ये टारगेट आपको दिखता है। तो अगर इंट्राडे बेसिस में काम करना है, पहले इंट्राडे वाले को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग को ये आपका बाइंग लेवल होना चाहिए, ये बाइंग लेवल का ऊपर अगर आप लोग बाइंग करने को जाओगे कि इधर ना 25.55 का ऊपर हम लोग अगर मार्केट आया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है तो आप इधर बाइंग पोजीशन जनरेट कीजिए। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 28 रख सकते हो, उसके बाद सेकेंड टारगेट रहेगा 29.65 और थर्ड एंड फाइनल टारगेट ये रहेगा जो कि 33.76। अगर फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ अगर 30 का ऊपर अगर हम लोग का कल का क्लोजिंग मीन्स 7 अप्रैल का क्लोजिंग अगर आता है तो हम खूब जल्द ये टारगेट देख सकते हैं जो कि 59.31। बट हमको कंडीशन क्या रहेगा, इसका क्लोजिंग हमको चाहिए 30 का ऊपर। अगर 30 का ऊपर हम लोग क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम लोग नीचे की तरफ शो देखेंगे। तो फिर मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा जे हम लोग का ये जो कैंडल स्टिक देखिए, ये सेकेंड कैंडल, ये जो कैंडल स्टिक का और ये लास्ट कैंडल स्टिक, इसको कैंडल स्टिक का बरोबर बीचों बीच में ये कैंडल स्टिक क्लोजिंग दिया है। तो इसको नज़र रखिए, अभी दूसरा कैंडल स्टिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडल स्टिक एंड देन ये कैंडल स्टिक, इसमें आप क्या देख रहे हो ना सेम टू सेम पैटर्न इस पर बन रहा है। अगर ये पैटर्न बनने का जो बिग कैंडल स्टिक के अंदर जो ये कैंडल स्टिक बना उसके बाद हम लोग क्या किए फॉल किए, अब भी सेम टू सेम कैंडल स्टिक इधर बन रहा है तभी हम लोग किधर जाएंगे अभी, ये फ्रेंड हम लोग इधर जाएंगे अगर ये कैंडल स्टिक को फॉलो किया तो, नहीं तो हम लोग फिर किधर आएंगे, हम लोग बात करेंगे किधर आएंगे। ये हो गया अपसाइड का, मैं आपको बता दिया। ओके, डाउन साइड आने के लिए हम लोग जब तक हम लोग 20 का नीचे क्लोजिंग नहीं देते, 20 का नीचे जैसे कि हम लोग डे आफ्टर टुमारो का जो 22.25 का जो लो मारे थे हम लोग
20.25 का हम लोग जो लो मारे थे 2.05 समथिंग कुछ है, इसका हम लोग लो मारने के बाद सेकेंड डे हम लोग ये इधर क्लोजिंग दिए। तो ये अगर हम लोग तोड़ते हैं 2 अप्रैल शायद कि 1 अप्रैल ये ऊपर हम लोग का ये था, हम लोग का लो था, ये लो को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड बहुत बड़ा गिरावट येस बैंक में देखने को मिलेगा, जो कि गिरावट आपको लेके आएगा ये 19 को ब्रेक करेगा। 19 को ब्रेक करने के बाद 18 एक जबरदस्त सपोर्ट जोन है, इसका ऊपर कुछ टाइम खेलेगा वो, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो मैं पूरा और बहुत बड़ा सपोर्ट जो है 15.50 का ये सपोर्ट देता हूँ। अगर ये सपोर्ट भी हम लोग ब्रेक करेंगे जैसे मैंने लिखा है 10 to 12 rupees उसका ऊपर हम लोग आ सकते हैं। हाँ, आप लोग का काफ़ी सारा क्वेश्चन था जो कि आप मेरे को उसका आंसर देना है, क्योंकि सुपर 10 तो इधर 9 रुपये का शो कर रहा है वन डे का कैंडल का ऊपर। तो हम लोग को फ्रेश बाइंग कभी करें, क्योंकि मेरे को आप लोग को बोल रहे थे सर हम 24 में तो अभी 2 दिन से रुक रहा है, आप हमको बाइंग करने को नहीं देते हो। तो फ्रेंड्स बाइंग करना है तो आपको 25.55 का ऊपर बाइंग करना है, और ये बाइंग आपको 33 की 34 के आसपास लेके जा सकता है। और उसके बाद आप ये मत सोचिएगा ये बाइंग आने के बाद ये 34 आने के बाद मार्केट और नीचे नहीं आएगा, आप ये मत सोचिए, क्योंकि मार्केट फिर भी नीचे आ सकता है। तो बाइंग करना है तो बॉटम में बाइंग करना है अगर आपको शॉर्ट टर्म गेम खेलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले किधर भी बाइंग करेंगे तो उनको कुछ तकलीफ नहीं, जो कि 20 से लेकर 30 के अंदर कुछ भी इशू नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म वाले जो बाइंग करना चाहते हो मैं आपको दूंगा, जैसे 20 को ब्रेक करता है 20 से लेकर 17 हमारे लिए अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए, अगर 17 को सस्टेन नहीं कर पा रहे तो 12 तक हम लोग आएंगे तो और बाइंग करने का अच्छा लेवल है। यही लेवल का ऊपर अगर आप लोग बाइंग करते हो तो मैं बोलूँगा आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। पहले मैं लिख देता हूँ 18, उसके बाद 15, उसके बाद 12। अगर आपको ये लेवल पे किधर मार्केट मिल जाता है, येस बैंक मिल जाता है, डेफिनेटली आप थोड़ा करके बाइंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 18 में थोड़ा बाइंग कीजिए, 15 में थोड़ा बाइंग कीजिए, 12 में थोड़ा बाइंग कीजिए, तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। और आप जैसे मार्केट थोड़ा अपसाइड जाएगा तो फिर येस बैंक में आप ये पोजीशन में आप निकल सकते हो, आपको पैसा डबल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरे जो मैं जो आप 3 महीने में पैसा डबल करने का जो मैंने वीडियो डाला था, अगर आप लोग उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं, और मुझे लग रहा है फ्रेंड 3 महीने के और जल्दी भी आपका पैसा डबल हो सकता है। तो फ्रेंड अपना जो कंडीशन क्या है वो कंडीशन में हमको बाइंग करना है, वो कंडीशन में हमको सेल करना है। तो ये कंडीशन में अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो डेफिनेटली येस बैंक में आप पैसा बना सकते हो। तो फ्रेश बैंक के लिए अभी भी मैं जैसे बोल रहा हूँ 18, 17, 15, 12 ये लेवल आपने नोट कीजिए रखिए, और ये आपको बाइंग लेवल रहेगा। थोड़ा थोड़ा माल हर जगह से उठाना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर इंट्राडे बेसिस में काम करना है तो मैं बोलूँगा फ्रेंड अगर 23 को अगर हम लोग इंट्राडे बेसिस मतलब 7 अप्रैल को अगर हम लोग ब्रेक करते आपका टारगेट 20 तक लेके आ सकते हो सेलिंग साइड, इंट्राडे बेसिस बोल रहा हूँ फ्रेंड। ये इंट्राडे के लिए 20, 30 से 23 से हम लोग बाय सेल करेंगे और 20 में हम लोग बाय करके निकल जाएंगे। 20, 21 के ऊपर बाइंग करना है आपको। उसके बाद अपसाइड पोजीशन के लिए क्या करना है ना, 25.55 के ऊपर हमको बाइंग करना है और हमको 29.65 के अंदर माल बेच के निकल जाना है इंट्राडे बेसिस। ओके, ये हो गया बाइंग सेलिंग इंट्राडे, और पोजिशनली आपको बता दिया है। अगर कुछ इश्यू होता है मैं मेरे टेलीग्राम में मैं अपडेट करूँगा आप लोग को, आप बिंदास रहिए। अगर टेलीग्राम ज्वाइनिंग नहीं किए तो फिर टेलीग्राम में ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए आपको मेरे तरफ से जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का कंडीशन मैंने बता दिया आप लोग को, वो हिसाब से अपन काम करेंगे और पैसा कमाएंगे येस बैंक में। फ्रेंड्स खाली येस बैंक के ऊपर आपका नज़र नहीं रहना चाहिए, बाकी जो मैं वीडियो डालता हूँ उसको भी नज़र रखिए, और उसको भी पैसा कमाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ये मल्टीवेगर स्टॉक जो रहते हैं उनका पर भी थोड़ा थोड़ा पैसा आप डालना चाहिए,
क्योंकि अगर आपने तीन चार जगह में पैसा नहीं डालोगे ना फ्रेंड्स, एक जगह में अगर पैसा डाल के आप रखे उस मार्केट उसका शेयर अगर नीचे आया आप पूरी तरह से फंस जाते हो। अगर चार जगह में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपका अगर एक जगह डाउन हुआ तो दूसरा जगह चलेगा, तीसरा जगह डाउन हुआ तो फोर्थ जगह चलेगा, तो इसमें से आपका रिकवरी होता है। नहीं तो आप एक ही जगह में पैसा डाल के बैठ जाओगे, सर मैं तो 300 में बाइंग किया था अभी 20 रुपया है, तो ऐसा करके आप पूछना चालू करेंगे फ्रेंड्स। इसीलिए आप हर जगह से हर मल्टीवेगर स्टॉक के ऊपर डालिए पैसा। मार्केट अभी बहुत ही नीचे है और कब ऊपर जाएगा वो भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन ये बोलना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ खूब जल्द हम ऊपर जाने का तैयारी कर चुके हैं, कर रही नहीं कर चुके हैं, हम लोग ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। निफ्टी का बॉटम बन चुका है और हम लोग उसको तोड़ेंगे नहीं, इतना मेरा कहना है। क्योंकि मैं डिटेल्स तो मैं ये वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा सपोर्ट ग्रुप में वो लोगों में वो फैसिलिटी देता हूँ। तो चले फ्रेंड, अगर आप लोग को निफ्टी के बारे में कुछ वीडियो चाहिए तो अगर ज़्यादा पब्लिक अगर बोलेंगे हाँ निफ्टी के ऊपर वीडियो चाहिए तभी मैं पोस्ट करूँगा, नहीं तो यही अपना जो चल रहा है वैसे ही चलाऊँगा। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है, इसलिए मेरे वीडियो डालने के लिए टाइम मिलता नहीं है फ्रेंड्स। चले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला घंटी आइकन को ऑन कीजिए, जैसे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।